ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रदेश में आज से ग्राम सभाओं के आयोजन का सिलसिला शुरू हो गया है। सुकमा जिले में 4 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया और प्रदेश के कुछ स्थानों में फिर से मौसम में आएगा बदलाव, हल्की वर्षा होने और अंधड़ चलने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह संसद भवन में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इधर छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री ने रायपुर में आयोजित सार्वजनिक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लोगों की सबसे बड़ी ताकत बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिया गया हमारा संविधान है। बाबा साहेब ने शोषितों और पीड़ितों की आवाज बनकर उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने आज विधानसभा परिसर से सेंट्रल हॉल में डॉ अंबेडकर के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर डॉ महंत ने विधानसभा के नए परिसर में डॉ अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद अरुण साव बिलासपुर स्थित गुरू घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंबेडकर जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय को समाज से जोड़ने तथा सेवा और ज्ञान को परस्पर आदान प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित GGV श्रवण लाइन का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आज रायपुर स्थित अंबेडकर अस्पताल जाकर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और मरीजों को फल वितरित करने के साथ ही अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा की रायपुर जिला इकाई द्वारा किया गया था। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महाप्रबंधक आलोक कुमार और रायपुर रेल मंडल में आयोजित कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसी तरह साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL मुख्यालय में भी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर तकनीकी निदेशक SK पाल और निदेशक G श्रीनिवासन सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। वहीं जगदलपुर स्थित लालबाग अंबेडकर चौक में भी डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस अवसर पर गणमान्य नागरिकों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के बिलासपुर जिले के बहतराई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती उत्साह से मनाई गई। कार्यक्रम के अतिथि वक्ता गुरू घासीदास विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव डॉ TP सिंह थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक व्यवस्था के तहत देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की। उन्होंने सभी के लिए समानता का मार्ग प्रशस्त किया। कार्यक्रम को केंद्रीय संचार ब्यूरो बिलासपुर के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी डॉ प्रेम कुमार ने भी संबोधित किया। प्रदेश में आज से ग्राम सभाओं के आयोजन का सिलसिला शुरू हो गया है। ग्राम सभा में प्रदेश में इस समय चल रहे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर चर्चा की जा रही है। ग्राम सभा में पिछली बैठक में पारित संकल्पों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, साथ ही पिछली तिमाही के आय व्यय की समीक्षा भी की गई। ग्राम सभा की गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल और पंचायत विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। ग्राम सभा में मौसमी बीमारियों के निदान पर भी चर्चा की गई।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कल रायपुर में आयोजित बैठक में राज्य में संचालित जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों को मार्च 2024 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल परीक्षण के लिए सभी जिलों में वाटर टेस्टिंग लैब अनिवार्य रूप से स्थापित की जाए। बैठक में उन्होंने मल्टी विलेज योजना की भी जानकारी ली, साथ ही पानी समितियां गठित करने को कहा। अपने रायपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार अब छत्तीसगढ़ समेत उन सभी राज्यों को चिन्हित कर रही है जहां जल जीवन मिशन के तहत काम को अपेक्षित गति नहीं मिल पाई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को 318 गांवों में 10 लाख नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है, लेकिन इस दिशा में अभी स्थिति निराशाजनक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कायाकल्प योजना के तहत प्रदेश के 12 अस्पतालों को पुरस्कृत किया। श्री बघेल कल रायपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाना और स्वास्थ्य अधोसंरचना को बेहतर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 370 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना संक्रमण से कल 2 मरीजों की मृत्यु हुई। इधर गरियाबंद जिले में पिछले 2 दिनों में कोरोना संक्रमण के 50 नए मामले सामने आए हैं। इनमें कस्तूरबा आदिवासी विद्यालय मैनपुर और देवभोग की 39 छात्राएं भी शामिल हैं। जिले में संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने सभी मरीजों की कोरोना जांच अनिवार्य कर दी है। वहीं प्रशासन ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। उधर बीजापुर जिला अस्पताल में जांच के दौरान 13 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। श्रोताओं, आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से हर शनिवार को प्रसारित किए जाने वाला समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार कोरोना संक्रमण से बचाव और तैयारी पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओपी सुंदरानी से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 15 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। सुकमा जिले में आज 4 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें से एक माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले ये माओवादी सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में सक्रिय थे और इन पर कई माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को राज्य शासन की पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में बीते दिनों हुई घटना के बाद शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिरनपुर सहित साजा तथा बेमेतरा शहरी क्षेत्र में धारा 144 प्रभावशील है। बिरनपुर गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति ग्राम बिरनपुर में प्रवेश न करे, साथ ही उल्लंघन करने वालों के विरूद्व सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस बीच बिरनपुर गांव के एक मकान में कुछ लोगों द्वारा आग लगाए जाने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस पर आज दुर्ग में अग्निशमन घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नगर सेना कार्यालय से रैली निकाली गई। रैली को दुर्ग विधायक अरुण वोरा और जिला अग्निशमन अधिकारी नागेन्द्र कुमार सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य अग्निशमन सेवा केंद्र परिसर में भी आज राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया। समारोह में संयंत्र के प्रभारी निदेशक अनिर्बान दास गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस वर्ष राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस की थीम है राष्ट्रीय अवसंरचना के विकास के लिए अग्नि सुरक्षा में जागरूकता। इस अवसर पर अग्निशमन संयंत्रों,
उपकरणों और सुरक्षा उपायों का जीवंत प्रदर्शन किया गया, साथ ही शहीद अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। गौरतलब है कि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई डॉकयार्ड में हुए भीषण अग्निकांड के दौरान जनधन की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए 66 अग्निशमन कर्मियों की याद में यह दिवस मनाया जाता है। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण तथा एनीमिया को दूर करने के लिए प्रदेश के सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में इन दिनों सामान्य चावल के स्थान पर फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। 1 अप्रैल से शुरू की गई इस योजना के तहत प्राथमिकता अंत्योदय एकल निराश्रित और निःशक्त जन श्रेणी के राशन कार्डधारियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। फोर्टिफाइड चावल में मौजूद आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व लोगों में खून की कमी नहीं होने देते हैं। प्रदेश के कई स्थानों पर फोर्टिफाइड चावल को लेकर प्लास्टिक चावल होने का भ्रम सामने आया है। इसे लेकर खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि फोर्टिफाइड चावल सामान्य चावल से अधिक चिकना और अलग दिखता है और इसमें प्लास्टिक चावल नहीं मिला हुआ है। विभाग द्वारा लोगों में भ्रम की स्थिति को दूर करने राशन कार्ड धारियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन और उचित मूल्य दुकानों में बैनर पोस्टर के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल को पकाने के तरीके और उपयोग के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका उत्तर छत्तीसगढ़ से केरल तक बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने और वज्रपात होने की भी आशंका व्यक्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। प्रदेश में आज से ग्राम सभाओं के आयोजन का सिलसिला शुरू हो गया है। सुकमा जिले में 4 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया और प्रदेश के कुछ स्थानों में फिर से मौसम में आएगा बदलाव, हल्की वर्षा होने और अंधड़ चलने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।